सुनसान सड़क, रात के 11 बजे ठंडी हवाएं और जंगल से आने वाले जानवरों की आवाजें आ रही थी। रौनक, राहुल, सृष्टि और दिव्या एक आलिशान बंगले के सामने खड़े थे। तभी मोहित और अनीता उस घर से बाहर निकले। मोहित ने उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग? रौनक बोलता है, वो साहब हम नोएडा जा रहे थे और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमने घर फोन करना चाहा तो देखा कि हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो हमने सोचा कि हम आपकी मदद मांगते हैं। मोहित की वाइफ अनीता बोलती है, कोई बात नहीं बच्चों, मेरा फोन भी खराब हो गया है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, अंदर आ जाओ। ये सुनकर चारों खुश हो गए और उसे धन्यवाद देकर घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर महंगे महंगे धातु थे। उन्हें देखते ही उन लोगों के मन में महंगे महंगे धातु के टुकड़े चुराने का मन होने लगा। अनीता ने उनसे कहा, बैठ जाओ बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। तभी मोहित कहता है, हाँ तुम खाना लगा दो, तब तक मैं बच्चों से बात करूंगा। ये कहकर मोहित डाइनिंग टेबल पर बैठे बच्चों से बात करने लगा। रौनक ने पास बैठे राहुल की तरफ देखा तो देखा कि उसकी बेल्ट में चाकू लगा हुआ है। रौनक ने राहुल को फुसफुसाया, मैं तो कहा था ना मूर्ख, अपने पास कोई हथियार मत रखना, फिर ये चाकू क्यों नहीं छोड़ आए? अगर ये लोग डर गए कि हम चोर हैं तो? राहुल ने कहा, क्या आप जानते हैं कि ये चांदी का चाकू मेरे लिए कितना लकी है? मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ, इन बूढ़ों को कुछ पता नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों, ये कहते हुए अनीता ने टेबल पर खाना रख दिया। उनमें से ढक्कन हटा दिया जिसमें चिकन रखा हुआ था। बच्चों को खाना पसंद आया या नहीं? फिर दिव्या ने कहा, हाँ मैम बहुत धन्यवाद। अनीता ने कहा, फिर खाना शुरू करो। ये कहकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई और बोली कि इसे खाने से तुम्हारा खून गर्म और मीठा हो जाएगा। तभी मोहित ने कहा, बच्चों हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, हम चाहते हैं जिसको जो भी कमरा पसंद आए वो उस कमरे में अलग अलग रह सकता है। ये सुनकर चारों खुश हो गए। उन्हें अलग अलग कमरे दिए गए। संदेश मिलते ही सभी ने एक घंटे तक इंतजार किया। ठीक एक घंटे बाद रौनक अपने कमरे से निकला और मोहित और अनीता कमरे की ओर चला गया। रौनक ने दरवाजे को हल्के से खोल कर देखा, मोहित बिस्तर पर अकेले सो रहा था। रौनक ने कहा, ये तो और भी अच्छा है कि दोनों अलग अलग सो रहे हैं। ये कहकर वो चुपचाप कमरे के भीतर घुस गया और चुपचाप अलमारी की ओर जाकर अलमारी खोलने लगा। अलमारी खुल नहीं रही थी, उसे लगा कि ताला लगा है। तभी उसने देखा कि मोहित के तकिए के पास एक चाबी रखी है। उसने सोचा कि चाबी उसी अलमारी की है। चाबी उठाते ही मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और रौनक डर गया। मोहित ने जैसे ही आंखें खोली, रौनक बुरी तरह से चीख पड़ा। मोहित की आंखों का रंग लाल हो गया था, उसके दो दांत भी निकल आए थे। मोहित जाग गया। उसी समय रौनक चिल्लाकर भागने लगा। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मोहित, क्या तुमने चोरी का इरादा रद्द कर दिया? रौनक चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उससे पहले ही वो दरवाजे तक पहुंच पाता, मोहित ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बुरी तरह से हंसते हुए बोला, आज इतने दिनों बाद तुम्हें ताजा खून पीने को मिला है। और मोहित उसका खून चूसने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने रौनक का सारा खून चूस लिया। कुछ देर तक तड़पने के बाद रौनक की मौत हो गई। फिर मोहित ने हंसते हुए कहा, वैम्पायर हाउस में आपका स्वागत है। तभी दिव्या ने अपने कमरे में कहा, लगता है रौनक सारा सामान ले जाना चाहता है, तभी तो एक घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, जाके देखती हूँ वो कहाँ है। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। तभी पीछे से अनीता की आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो दिव्या, कुछ चाहिए था? दिव्या ने कहा, हाँ मैम मुझे प्यास लगी थी। अनीता ने बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये कहकर अनीता उसका हाथ पकड़कर किचन की ओर ले गई। उसने दिव्या का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था और किचन तक पहुंचते हुए दिव्या के हाथ में दर्द होने लगा। दिव्या ने कहा, मैम मेरा हाथ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। ये सुनकर जैसे ही अनीता की नज़र दिव्या पर पड़ी, दिव्या की चीख निकल गई। अब अनीता भी 25 की हो चुकी थी और दिव्या को भयानक लाल आंखों से देख रही थी। उसके दोनों दांत बाहर निकले हुए थे। दिव्या का हाथ उसने ऊपर उठाया और उसकी कलाई में अपना दांत गड़ा दिया और खून चूसने लगी। दिव्या जोर जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन असफल रही। वो अधमरी सी हो गई थी और अनीता के जाते ही वो जमीन पर गिर पड़ी। दर्द भरी चीख के साथ दिव्या ने दम तोड़ दिया और फिर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। राहुल अभी भी बेखबर अपने कमरे में बैठा था और सृष्टि भी वहां आ गई। सृष्टि ने कहा,
दोनों का पता नहीं चल रहा है कि वो दोनों एक घंटे से कहां गायब हैं। राहुल ने कहा, मैं भी रौनक के कॉल का इंतजार कर रहा था, तभी मोहित और अनीता उसके कमरे में आ गए और कहने लगे कोई नहीं बचेगा। मोहित और अनीता के पिशाच के रूप को देखकर सृष्टि डर जाती है और राहुल के पास दौड़ती है। सृष्टि और राहुल दोनों डर गए तो मोहित और अनीता उन पर हमला कर देते हैं। मोहित राहुल पर झपटता है और उसको लेकर बिस्तर पर गिर पड़ता है। वो उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है कि उसका हाथ तकिए के पास रखे राहुल के चाकू से टकरा जाता है। मोहित चिल्लाकर दूर हट जाता है। राहुल समझ गया कि ये पिशाच चांदी से दूर रहते हैं। राहुल ने झट से चाकू उठाया और मोहित की ओर इशारा किया। राहुल ने देखा कि अनीता सृष्टि के ऊपर थी और उसे काटने ही वाली थी। उसने दौड़कर अनीता के पीठ पर वार किया और वो चीख पड़ी। वो चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था उसका रंग नीला था। राहुल ने जल्दी से सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर भागने लगे, जबकि मोहित गुस्से से दोनों के पीछे दौड़ा। जैसे ही वो लोग मेन रोड पर पहुंचे तो मोहित उनके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुमने मेरी अनीता को मार डाला है, अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। ये कहकर उसने राहुल का हाथ ऐसे मरोड़ा कि चाकू गिर गया और फिर उसने सृष्टि को धक्का दिया और राहुल पर झपट पड़ा। उसने राहुल के चेहरे पर नाखून मारकर उसे घायल कर दिया था। उसके गर्दन पर वार करने ही वाला था कि सृष्टि ने जमीन पर गिरा चाकू उठाया और भागकर मोहित के गर्दन पर वार कर दिया। मोहित भयानक आवाज से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मोहित के शरीर से धीरे धीरे नीला जहरीला खून निकल रहा था और वो भी मर गया। राहुल ने तुरंत सृष्टि का हाथ पकड़ लिया और कहा कि चलो यहां से निकलते हैं। और फिर दोनों रात में आंखों में खौफ और दिल में डर लिए वहां से भाग गए और फिर दोनों ने फिर कभी चोरी न करने की कसम खाई।